जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि Realme C3 के ऊपर मैंने चार्जिंग टेस्ट किया हूं, जो कि 0 से नहीं 6% से 99 या 98% तक चार्ज करके दिखाया हूं। तो इसके अंदर कितना टाइम मुझे लग गया और क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में आ गया था इस बीच में, क्योंकि जब लंबा टाइम हो जाता है तो दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। यहाँ पर जो 10 वाट की चार्जर इसको मिला हुआ है, आउट ऑफ बॉक्स बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके साथ जो मिला है 10 वाट के चार्जर। इसके साथ कोई फास्ट चार्जिंग का सिस्टम नहीं है, ना इसके अंदर कोई फीचर्स है जो कि हम अलग से कोई चार्जिंग कर सकते हैं, कोई नया चार्जर परचेज करके। बट वो 10 वाट की जो चार्जर है उसके साथ अगर मैं चार्ज करता हूँ तो मिनिमम 2.5 घंटा लग जाता है। ये मिनिमम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। क्या है कि कितना टाइम लग जाता है मैं आपको चैनल वो जो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो रियलमी C3 के अंदर बैटरी अभी देखिए 7% रह गया है, यानी 6% अभी टाइम बचा है, 7:34 और 6% बचा है। यहाँ पे मैं चार्जिंग टेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि इसके बॉक्स के साथ जो 10 वाट के जो चार्जर आता है बॉक्स के साथ, तो उसको मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ। यहाँ पर ये चार्जर है नॉर्मल चार्जर जो 10 वाट का आता है, और ये सपोर्ट भी नहीं करता जो कि फास्ट चार्जिंग को। बट यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी, हमें देखना चाहिए कितने टाइम के अंदर ये चार्ज हो जाता है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बीच बीच में अपने पॉज करके मैं बता दूंगा और बाकी आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चार्जिंग ऑन कर दिया हूँ और साथ में स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया हूँ, जो कि आप चेक कर सकते हैं कितने जल्दी से इसका चार्जिंग होता है। ठीक है, 6% हो गया। अब यहाँ पे आपको चार्जिंग का जो है यहाँ पे कोई डिटेल शो नहीं कर रहा है, बाकी यहाँ पे शो कर रहा है जो कि 6%। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कितने देरी के अंदर ये 5000 mAh की बैटरी चार्ज हो जाता है, क्या आपके लिए वेस्ट रहेगा या नहीं। तो आइए देखते हैं और मैं बीच बीच में रुक के भी आपको चेक करा। यहाँ पर 45 मिनट हो चुका है, चार्ज कितना हो गया एक बार देख लेते हैं। 38% सिर्फ चार्ज हुआ है, जो कि 45 या 46 मिनट, इससे पहले भी आपको 6% हमारे पास बैटरी था। तो ये 5000 mAh बैटरी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीप कर दिया है रियलमी ने, जो कि सस्ता फोन है, इसलिए थोड़ा बैटरी का जो चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा कम है, क्योंकि 10 वाट चार्जर में कितना स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर कम से कम ऑप्शन दे देना चाहिए था स्पीड चार्जिंग का और फास्ट चार्जिंग का, बट वैसा उसके अंदर प्रोवाइड ना करता डब्बे के साथ। अभी देखते हैं फाइनल कब तक होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे 1 घंटा 23 मिनट हो चुका है, अभी देख लेते हैं कितना मिनट हो रखा है, यानी कितना परसेंट चार्ज हो रखा है। यहाँ पे जो दिख रहा है 64% हुआ है 1 घंटा 23 मिनट में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये एक्चुअली 5000 mAh की बैटरी की वजह से ये पंगा हो रहा है, बाकी उम्मीद करते हैं कब तक ही हो जाता है, मैं थोड़ी देर बाद और बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक 2 घंटे 20 मिनट समथिंग हो चुके हैं, और यहाँ पे भी अगर रियलमी C3 को हम देखते हैं चेक करके, तो इसके अंदर 96% हो चुका है। तो यार, इसको जब भी चार्जिंग करना हो आप स्विच ऑफ करके चार्ज कर देना। आई होप कि 1 घंटा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 मिनट हो जाना चाहिए। ये ऑन था और इस बीच में इंटरनेट भी चल रहा था, कुछ ऐसे मैसेज वगैरह आ जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसलिए लेट हुआ। बाकी रियलमी ने थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या पता अगला अपडेट में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। बट ये है जो लगभग आपको 2 घंटे 20 मिनट या 2.5 घंटे, पूरे 2.5 घंटे में आपको 100% इसके अंदर चार्ज हो जाएगा, जो कि 5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि कम बजट के फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलता है, इस बीच में आपको 2.5 घंटा चार्ज करना पड़ रहा है। एक बार आप मेरे ख्याल से अगर रात को चार्ज कर दोगे स्विच ऑफ करके, वो बेटर रहेगा। जब आप चार्ज कर लेते हो उसके बाद फिर आप यूज करते रहना, स्विच ऑफ करके चार्ज करोगे तो आई थिंक आपको लगभग 1 घंटा 50 मिनट इस बीच में हो जाना चाहिए जिस हुए। बट 5000 mAh की बैटरी जो है, अगर फास्ट चार्जिंग नहीं है तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बाकी देखते हैं आप लोग की इच्छा, मैं एक टेस्ट करके बताना था आप लोगों को, बता दिया, आप देख लीजिए। बस ये था आज के वीडियो, मिलूंगा मेरे साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।